हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपको कोरिया के बस के बारे में बताएंगे। बस में जाना, उतरना और बस कैसी है कोरिया की, उसके बारे में आपको हम डिटेली बताएंगे। और वीडियो बने रहे, वीडियो एकदम से ज़बरदस्त, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहली वीडियो होगी मेरी बस की, और मैं बस के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी मैंने मेट्रो के बारे में, सबवे के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दी, अधिक से अधिक बताया है, अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश भी करी। आज मेरी कोशिश है कि बस के बारे में आज हम बताएंगे, आप बस में कैसी बस है। बस में थोड़ी सी मजाक भी होनी चाहिए, बीच में आया कि इसलिए बात हर जगह सही नहीं लगती। अब बस कैसी है कोरिया की, और कैसे यूज़ करते हैं, और क्या क्या फैसिलिटी बस के अंदर में, कितनी वो रहता है, क्या है बस में, जो कि भीड़ भाड़ कितनी रहती है सबसे बड़ी बात है, और कैसे लोग यहाँ पे बिहेव करते हैं सबसे बड़ी बात है, और ये चीज़ें दिखाऊंगा। वीडियो बने रहना, क्योंकि वीडियो बस की है। आज मैं जो बस में जाने के बाद दिखाऊंगा कि बस में कार्ड, जो सबसे बड़ी बात है कि कार्ड हमारा जो है ना हर जगह यूज होता है। बस में भी यूज़ कर सकते हो आप, ट्रेन में भी, टैक्सी में भी यूज़ कर सकते हो आप कार्ड। मेट्रो जो एक कार्ड बनता है, मेट्रो का कार्ड, वो हर जगह यूज़ कर सकते हो ऐसा। और बहुत चीज़ आपको स्टोर में भी वो कार्ड है यूज़ कर सकते हो, और स्टोर ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। और जगह ऐसे होते हैं ना जहाँ आप ड्रिंक के लिए, स्टोर के लिए, बड़े बड़े छोटे छोटे स्टोर होते हैं ना, वहाँ भी आप वो कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेट्रो कार्ड होता है, मेट्रो कार्ड आपको बस में भी यूज़ कर सकते हैं, टैक्सी में भी यूज़ कर सकते हो। मेट्रो में तो करोगे ऑब्वियसली है कि उसमें करूँ, और काफ़ी स्टोर है, कैफ़े में भी यूज हो जाते हैं ऑब्वियसली है कि कैफ़े में भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप कभी ये मत सोचना कि हमने यार मेट्रो कार्ड ले लिया और अब उसका रिटर्न पैसा भी मांग सकते हो उस कार्ड के, आप रिटर्न में वहाँ जाके कैफे हो जाए, जो स्टोर होते हैं, काफ़ी छोटे स्टोर हैं, काफ़ी फ्रेंचाइजी स्टोर हैं, वहाँ जाके पैसा भी रिटर्न ले सकते हो। कोई भाई यहाँ विजिट कर रहा है, घूम रहा है, और उसने भाई मेट्रो कार्ड में 50,000 डाल दी, 50,000 डाले, कोई यहाँ के कोरियन में 50,000 डाली, उन्हें भाई ने 10,000 रुपये, वो जाके रिटर्न भी ले सकता पैसा, ये सबसे अच्छी बात है। और घबराना मत कि यार आप रिटर्न नहीं लेना चाहते हो, आप थोड़ी शर्माते हो, तो आपको लगता है क्या पैसा वापस लेना, तो आप ऐसा करें बस में यूज़ कर लें, टैक्सी में भी यूज़ कर लें वो कार्ड, और आप बस और टैक्सी में ट्रेवल नहीं कर रहे, आपने गलती से बना लिया, तो आप करें वो जाइए कैफे में, जाइए खाने पीने के लिए, आप भी वो भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कैफे में हो जाता है, सभी कैफे में वो यूज नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ स्टोर होते हैं मिनी, छोटे स्टोर होते हैं, वहाँ पर वो यूज हो जाता है, जो छोटे मिनी स्टोर है, जैसे अलेवन है, शिव मार्ट है, और काफ़ी सारे मार्ट हैं अभी मेरे, जो शायद अभी शिव मार्ट, अलेवन और G25, इन तीनों मार्ट को मेरा ध्यान आ रहा है, और काफ़ी और मार्ट बनी है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ ला सकते हो, घबराने की बात नहीं। सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ये ना समझने की, सोचने की, एक कार्ड आपको सब जगह यूज होता है, घबराने की बात नहीं। बहुत से लोग घबराते हैं कि यार हमने कार्ड में पैसा डाल दिया क्या करूँ, वो घबराने की बात नहीं, सब जगह यूज होगा आपको। लेकिन कैफे में आपको लिखा होगा, जहाँ टी मनी मनी करके लिखा होगा ना, कहीं आपको बोर्ड लगा होगा, कैफे होगा या बेकरी होगी, वहाँ पर टी मनी होगा, तो उसका मतलब है कि आप वहाँ भी वो कार्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको मिनी स्टोर जो होंगे यहाँ कोरिया के, मिनी स्टोर में यूज हो जाएगा, बस टैक्सी और मेट्रो में होगा ही होगा, बट आपको जहाँ कैफे में, जहाँ टी मनी करके लिखा होगा टी मनी, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड लगा देते हैं बाहर पर, जो कैफे होता है, बेकरी होती है, बाहर भी लगा देते हैं टी मनी, आप वहाँ भी आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये बात सीखने वाली है ना, देखो कितनी नॉलेज की बात है बताता भाई, इसीलिए तो कहता हूँ भाई को फॉलो करना ना भूले, भाई को सपोर्ट करना ना भूले, और भाई को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को भाई को दूसरों को भी शेयर करें, जो भाई इधर उधर कोरिया में घूम रहे हैं उनको भी तो पता लगे कि कार्ड का मतलब क्या, कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, और कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे बड़ी बात ये भी है ना, कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी तो पता लगना जरूरी है। इसलिए कहता हूँ आपको, हाथ जोड़ के इसलिए विनती करता हूँ कि भाई को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कि भाई लेके आता है कोरिया की हर जगह की वीडियो केवल आपके लिए, जब आप हो तभी मेरे चैनल। अब वीडियो बने रहे, बातें बहुत होगी, अब चलते हैं बस में, बस का वेट करते हैं, वो बस स्टॉप पर चलते हैं, छोटा सा स्टॉप है, फिर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अब देखा आपको कौन से बस में जाना है, आप ये बस चेक कर लें, ये देखो ये बस है, और कौन से रूट में जाना है ये चेक कर लें, ईजी है ना, कोई सफ़र करने को कोई घबराने की कोई बात नहीं है, खाली लोग अफवाह फैला देते हैं कि यार ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे वैसे के चक्कर मत रहो, घबराने की बात नहीं, आपको कोई ऐसा लोगों के बातों में विश्वास ना करें। बहुत से लोग होते हैं लैंग्वेज पढ़ोगे, इंग्लिश में भी तो लिखा है यार, इंग्लिश में लिखा है, नंबर लिखा है, और कोरियन में, कोरियन जब आपको कोरियन नहीं आती तो उसके पास टेंशन भी, इंग्लिश में लिखा है, और इंग्लिश को चेक करो आप जा सकते हो, यहाँ ऐसा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज प्रदेश में एक चीज़ ये इतनी अच्छी है कि आप बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं कहाँ जाना है, हमारे ये नहीं कि तुम्हें परफेक्ट कोरियन आएगी तभी आप कोरियन में आप जीवन व्यतीत कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, कहीं फॉरनर आपको थोड़ी बहुत भी समझ आती है क्या कहना चाह रहे हैं,
इसलिए घबराओ मत, कोई भी विदेश में आ रहा है, कोई बहुत से लोग आते हैं हम कोरियन में आएंगे तो हमें कैसे नहीं ऐसा बहुत इतना टफ नहीं है जितना लगता है। हाँ जब तक जो लोग नहीं आते ना उन लोगों को टफ लगता है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप टाइम जा सकते इधर उधर, बहुत आसानी से आप ट्रैवल कर सकते, बहुत आसानी से आप शॉपिंग कर सकते, बहुत आसानी से आप खा पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। घबराने की मेरे भाइयों घबराओ मत, कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं है। बहुत से यहाँ किसी को इंग्लिश बोलना तक नहीं आता, वो तक यहाँ पर अच्छे खासे लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाता है यार, एडजस्टमेंट सब कुछ हो जाता है, घबराओ मत। आपके भाई तभी आपके लिए बड़े मस्त वीडियो लाता, बस का वेट कर रहा हूँ। ये देखो ऊपर बोर्ड, ये देखो मशीन भी लगी, देखो अभी जज कर रहा हूँ, ज़्यादा शार्प नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये चीज़ें हैं कि ये आपके कैमरे में ये चीज़ ऐड नहीं होती, ये कैमरा लगते ही इसका वो जो होता ना लाइन ही आने लग जाती, ये चीज़ बड़ी सेफ है कि आपके कैमरा में क्या चीज़ का, कुछ चीज़ ऐसी थी आप कैमरा में कह नहीं सकते, बस आने वाली है, बस हम दिखाएंगे आप वीडियो में। मेट्रो ही है यही, तभी यही दस्त है, कार हर जगह सेट है। चलो बने रहना, अभी मैं और आगे दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। हम दोस्तों आ गए, हमने कार्ड भी खोल कर और आज का सफर यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बड़ी मस्त लगी, बड़ा मज़ा किया होगा आपने, इंजॉय होगा आपका टाइम, अच्छा लगा होगा आपको मेरी वीडियो देख के, अच्छा करता होगा। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि भाई लेके आता आपके लिए साउथ कोरिया की एक नई और अच्छी और जबरदस्त वीडियो। आज बस का सफ़र मैंने आपके साथ शेयर किया और अच्छा लगा और मेरे को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप लोगों के साथ ये भी थोड़ी मैं पहली बस से पहले निकल गया था, क्योंकि थोड़ी मैंने सब अपने दिल की और बात आप सब लोग, क्योंकि और अच्छा लगता आपसे बात करने का। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।